बहुत सम्मान के साथ मैं मदनी जी के लिए बोल रही हूँ, बहुत आदर करता है मुसलमान उनका, बहुत उनको अपना कौमी रहबर मानता है मुसलमान, उनको समझाना चाहिए कि इस देश की रोटी खाते हो भारत जिंदाबाद लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान कोई जिंदाबाद लगाएगा उसको मदनी जी साथ लेकर आएं और खुद छोड़ कर जाएं या उनके साथ ही चले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं। मुसलमानों को आप किस धारा में ले जाना, माननीय योगी जी से शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उनके मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं है। मैं देखती हूँ वो किस तरह से अगर एक्शन लेना, अगर कोई हिंदू भाई, आपने देखा अभी नुपुर शर्मा पर शिकंजा कस दिया गया, अगर उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की थी, आपने देखा नवीन जिंदल को निकाल दिया गया, उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिर यूपी को दहलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसको तो बेनकाब कर दिया गया है और यूपी में अब पूरी तरीके से प्रशासन ने जो लोग इस साजिश में थे ऐसे मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ शबनम खान जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और निषाद पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगी, आखिर यूपी को जलाने की साजिश कौन रच रहा था? आखिर जफर जो पकड़ा गया है ये लगातार समाजवादी से जुड़ा हुआ है, ये लगातार इसकी फोटो आई कांग्रेस के नेताओं के साथ, आखिर चाहते क्या थे ये लोग? देखिए, कोई किस किस से जुड़ा हुआ है उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि कहीं कोई षड्यंत्र कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं रच रही है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हिंसा फैलाई जाए और माननीय योगी जी को बदनाम किया जाए। आप अपनी राजनीति की वजह से देश को जलाने का काम मत करिए, आप अपनी वोट बैंक की वजह से उत्तर प्रदेश को जलाने का काम मत करिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिन से, जो शाहीन बाग भी यहाँ पर हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से, वो PFI का फंड भी यहाँ पर हम देख रहे थे किस तरह से उसके हाथ उसमें सम्मिलित थे। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को उकसाकर भड़काकर ये विपक्षी कौन सी राजनीति कर रहे हैं, क्यों रची जा रही है मुसलमानों को भड़का भड़का कर इस तरीके की साजिश? आज अगर जरा भी हम शांति की तरफ जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई मुस्लिम संगठन आकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे देता है, फिर कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर दिया, फिर कह देते हैं अब जब उन्हें पकड़ा जाएगा उन्हें सजा मिलेगी तो फिर कहेंगे मुसलमानों पर अत्याचार हो गया। आप अपनी मुसलमानों की वोट बैंक की वजह से इस तरीके की हरकतों को अंजाम मत दीजिए। और बदनाम कौन हो रहा है? लगातार मुसलमान हो रहा है। उनके हाथों की कठपुतली कौन बने हुए? जैसे ये हाशमी था, जैसे और कई सारे जो पकड़े गए, 29 लोग पकड़े गए। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को भी थोड़ा समझना होगा कि क्या हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियाँ बन बन के इसी तरीके की साजिशों में घुसे रहेंगे या हम देश की मुख्य धारा से जुड़ने की तरफ जाएंगे। मैम क्या कहेंगी, आप भी मुस्लिम हैं, नवाज आप भी अता करती हैं, नवाज आप भी पढ़ती हैं, जुमे की नवाज भी आप भी पढ़ती हैं, क्या कहेंगी? क्या जुमे की नवाज में ऐसा सिखाया जाता है? आखिर कौन है ये लोग कि जुमे की नवाज पढ़ो, अंदर दुआ करो कि भाई शांति बनी रहे और बाहर आकर पत्थर बरसा दो, बाहर आकर गोली बरसा। देखिए, नमाज पढ़ने आदमी किस लिए जाता है मस्जिद में? शांति के लिए, सुकून के लिए, कि नमाज पढ़ूंगा तो दुनियावी चीजों से दूर होऊंगा और खुदा से अपनी लौ लगाऊंगा। जाते तो इसलिए मस्जिद में, लेकिन मस्जिद में जो वो इमाम नाम की एक चीज बिठा रखी है फिर बुरा मान जाएंगे कि इमाम का नाम ले दिया। वो जो मौलाना जो नमाज पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये सब चीजें सिखाते हैं और वहां पर इस तरीके के जो PFI के गुर्गे हैं वो पहले से ही मस्जिद में होते हैं जो उन मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको टॉर्चर कर रही है, कौन सा टॉर्चर हुआ है मुसलमान को? सारे मुसलमान देश में सम्मान से रहते आए और रहते आ रहे हैं। आज मुसलमान कहीं जाकर कहता है मैं मोहम्मद ये, तो उसकी सुनवाई चार हिंदू भाइयों को पीछे करके उसकी पहले सुनवाई होती है कि कोई मुसलमान भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो आपके आगे हाथ आगे बढ़ाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान लीजिए और एक हाथ में किताब लीजिए, एक हाथ में कंप्यूटर भी रखिए। जो प्रधानमंत्री आपको ये सब देना चाहता है, आप अपनी पर्सनल रंजिश की वजह से इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हैं। मौलानाओं ने यहाँ पर धर्म को अपनी बपौती बना रखा है। इस्लाम धर्म क्या सिखाता है? इस्लाम धर्म जिन प्रॉफिट मोहम्मद पर आप नाराज हो रहे हैं कि गलत टिप्पणी हो गई और आपने इतना उपद्रव मचा दिया, उस प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को भी आप मानने को तैयार नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक महिला कूड़ा फेंकती थी, वो महिला एक दिन कूड़ा फेंकने नहीं आई तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पूछा कहाँ है वो अम्मा जो मेरे ऊपर रोज कूड़ा फेंकती हैं, और उनको देखने गए वो बीमार थी। तो आपको तो प्रॉफिट मोहम्मद ये सिखाते हैं, आप क्या कह रहे हैं अगर किसी ने उनको कहा तो गर्दन काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, ये इस्लाम धर्म नहीं सिखाता है। जी,
मोहम्मद मदनी साहब हैं, उन्होंने देवबंद में एक बड़ा जलसा रखा, देश के मौलानाओं को बुलाया। हालांकि पहले दिन बड़े भावुक हुए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने भी ये कहा कि भाई देश में मुसलमान को दबाया जा रहा है, देश में मुसलमान डरा हुआ है, देश में मुसलमान की बेइज्जती। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, देश में कोई डरा हुआ नहीं है, मुसलमान तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। जो मुसलमान खड़े होकर चौड़े में ये कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जी बिल्कुल, हाल फिलहाल में एक बयान आया है जी, नदीम मुफ्ती नदीम कह रहे हैं कि हम आंखें निकाल लेंगे, हम हाथ से पूछ रही हूँ, क्या कोई डरा हुआ मुसलमान इतनी हिम्मत कर सकता है? यानी आप बेखौफ हैं, यानी आपको भारत में कोई डर नहीं लगता, आप निश्चिंत होकर अपनी कोई भी बात रख देते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिन भर गाली बकते हैं, आप माननीय गृह मंत्री जी को दिन भर गाली बकते हैं, कहाँ डरे हुए हैं आप? और मौलाना मदनी से मैं एक चीज कह रही हूँ, आपको हम कौमी रहबर कहते हैं, आपको मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे मुसलमान उस तरफ ले जाना चाहिए, आप किधर लेकर जा रहे हैं? मुसलमान डरा हुआ है, किस बात पे डरा हुआ है? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, सिर्फ एक ही व्यक्ति डरा हुआ है, भ्रष्टाचारी डरा हुआ है, अपराधी डरा हुआ है, गुंडा डरा हुआ है, जो गलत काम करता था वो डरा हुआ है। क्या आप गलत काम करते थे जो डरे हुए? किसी मुसलमान भाई को कोई हिंदू भाई कुछ नहीं कहता। आप आंख निकालने की भी बात करेंगे, मैं बोल रही हूँ अगर नुपुर से कुछ गलती हुई, हालांकि प्रवक्ता को बहुत संयम रखना चाहिए उसमें, फिर भी आप उसे उकसा रहे थे तो नुपुर बहन से भी कुछ अपशब्द शायद निकल गए। हमारा धर्म कहता है कि अगर कोई गलती करता है माफ करना सीखिए, हमारा धर्म तो ये सिखाता है। प्रोफेट मोहम्मद जिनका आप नाम ले लेकर दुहाई देते वो भी यही सिखा कर गए। आप कौन से धर्म की बात करते हैं? ये जो मुल्लाओं ने अपनी बपौती बना लिया है ना इस्लाम धर्म को, और सालों साल से मुसलमानों का भी शोषण करते आ रहे हैं, और हिंदू भाइयों से आज को क्या, अगर इस्लाम धर्म की जो मेन बातें थी, जो प्रेम प्यार की बातें थी, वो फैलाने की जगह आज आप क्या फैलाते हैं कि देखो उन्होंने हमारे लिए ये कह दिया तो उनकी गर्दनें काट लो, ये सिखाएंगे आप मुसलमानों को? आपको मुसलमानों को धीरज, धैर्य, संयम सिखाना चाहिए। मैम क्या कहेंगी शबनम खान जी, आप क्या कहेंगी कानपुर में जिस घटना को अंजाम दिया गया उसमें तुरंत योगी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक्शन लिया, लगभग 29 से 30 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, एनएसए लग चुका है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, बुलडोजर तक की बात हो गई है कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन राजस्थान के बूंदी के रहने वाले नदीम उसके बावजूद भी उकसाने की बात करते हैं, गलत भाषण देते हैं। क्या जी राजस्थान की सरकार क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी है? अरेस्ट क्यों नहीं करती है ऐसे मुल्ला हो चाहे कोई भी हो? मैं बोल रही हूँ जो भी गलत बात करता है आप उन्हें धरते क्यों नहीं है? फटाफट धरपकड़ करिए उनकी। एक तरफ आप मुख्यमंत्री सीएम योगी जी से भी तो थोड़ा कुछ सीखिए, वो कैसे अंकुश लगाने का काम करते हैं, कैसे मुश्किल कस देते हैं अपराधियों की। आप एक मुल्ला को नहीं पकड़ सकते? कैसे उसकी हिम्मत हुई किसी बहन बेटी के लिए ऐसा कहने की कि आंखें निकाल लूंगा या गर्दन काट दूंगा? देखिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, सारी जिंदगी मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट करता आया है, सारी जिंदगी एक तरफा वोट कर करके आया है, लेकिन मुसलमान को क्या मिला? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। क्या आप दलितों से भी पिछड़े हुए हैं? क्या देते हो आप हमें 70 साल में भी? आपके 60 साल 65 साल आपको राज कराया, इस देश पर जितनी भी सारी सुविधाएं थी हमने आपको मुहैया कराई, आपने हमें क्या मुहैया कराया? मुसलमान आज किस गर्त में गिरा हुआ है? किसने इस्तेमाल किया मुसलमानों को? वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना आगे बढ़ने दिया। जो अपराधी मुस्लिम था उसे बचाने का काम किया। थानों में फोन आ जाते थे नेताओं के, छोड़ दीजिए इसको, आपने उनको गलत दिशा दिखाई। आज कोई सरकार अगर सही दिशा में लेकर आना चाहती है, मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, आप उसको भी गलत बताते हैं, और मुसलमानों को तो आप कभी सीधा होने नहीं देंगे, मुसलमानों को तो कभी सीधी राह। इन मुल्लाओं ने, चाहे वो मदनी जी हों, मदनी जी कहते हैं हमारे बड़े उलेमाओं ने जान दी है, आपने उनके खून का कतरा भी बेकार कर दिया, आप उनका भी सम्मान नहीं रख रहे। मैं बोल रही हूँ मदनी जी से, आप मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने दो ना, छोड़ दो, उनके पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? मदनी जी तो कह रहे हैं कि ऐसी सरकार बैठी है देश को बर्बाद करना चाहती है, ऐसी सरकार बैठी जो मुस्लिमों को डरा रही है, ऐसी सरकार सत्ता में है जिससे मुसलमानों की हालत खराब है। तो आपकी वो वाली दुकानें बंद कर दी इस सरकार ने, इसलिए आप जो खुद मोटे पेट करके दाढ़ी टोपी लगाई और पेट मोटे मोटे किए आपने, फिर बुरा मानते इस तरीके की बात कहो तो आपकी जो दुकानें बंद करी हैं 3 तलाक पर, क्या बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही थी?
आपको तो खड़े होकर साथ देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का कि वाह क्या सरकार है जिसने हमारी पहली बार मुस्लिम बहन बेटियों की बात सुनी है, आपको साथ खड़े होना चाहिए था उनके। लेकिन आपको इसलिए गलत लगता है, आप औरतों का मिसयूज किया करते थे उस बहाने से, आप सारे लोगों ने गलत पाठ पढ़ाया मुसलमानों को, छोड़ दो कोई बात नहीं किसी भी बहन बेटी को, दो बच्चे लेके भी घूमती रहे सड़कों पर। ये अपने फायदे की बात की वजह से आपको बुरी लगती है केंद्रीय सरकार? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम चाह ले, कोई सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती, शरीयत के हिसाब से चलेंगे हम, अगर 3 तलाक देना होगा तो देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने बोला कि हम तो नहीं मानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्या कहेंगी? नहीं, जो इस देश का कानून नहीं मानेगा, ये तो सीधी सीधी बात है, क्या वो इस देश का नागरिक रहने का हकदार है? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ उन लोगों से, जो शरिया क्या है, कुरान शरीफ में जो लिखा है आप और हम सब उसको फॉलो करते हैं। कुरान शरीफ में तो ऐसा लिखा ही नहीं, कुरान शरीफ में तो लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद जिनके आप फॉलोअर हैं वो कहकर गए हैं। जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश ने आपको आश्रय दे रखा है, उस देश के कानून को फॉलो करो। आप वो भी उनकी भी बात नहीं मानेंगे, फिर आप किसके फॉलोअर हैं? आप अपना ही धर्म निकाल कर अपनी तरीके की बातें करेंगे। मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं है। और माननीय, देखिए मेरी निषाद पार्टी, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आप देखिए एक महिला, मुस्लिम महिला को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते, एक तरफ दूसरी पार्टियां आपको आगे लेकर जाना चाहती हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहती हैं, आज तक किसी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष महिला को नहीं बनाया है, मुस्लिम महिला को, और आप देखिए उन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, हमारे को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाते हैं, ये होता है असली सशक्तिकरण। और आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कौन सा अत्याचार? मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ कर तो देखे जरा, इनके चंगुल से निकल कर तो देखे जरा, फिर उसे पता चलेगा कि देखिए हम कहां, इन्होंने हमें छुपा रखा था, सिर्फ अपना वोट लेने की वजह से इन्होंने हमें अपराधी बना दिया, आतंकवादी। आज क्या सिर्फ भारत में ही मुसलमान की इंसल्ट हो रही है इस तरह से? पूरी दुनिया में हो रही है। किस लिए? क्योंकि आपको समझाने वाले, आपको बताने वाले, जिन्हें हमें अच्छी राह दिखानी चाहिए थी, वो हमें गलत राह की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, देश की मुख्य धारा से जुड़िए, समझिए कि वो लोग हमें अपने चंगुल में फंसा के सिर्फ हमारी वोट लेते हैं, बाकी उनको हमारे मूलभूत सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हम भूखे होते हैं तो वो खाना नहीं लेकर आते हमारे लिए। क्या जब कोरोना में घर घर खाना बंटा तो क्या हिंदू मुस्लिम देखा गया? नहीं देखा गया ना। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जब उन्हें मकान मिले, क्या हिंदू मुस्लिम देखा गया? नहीं देखा गया ना। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं ना, तो आपको थोड़े अपने दिमाग खोलने पड़ेंगे कि वो लोग सिर्फ वोट के लिए हमें भड़का रहे हैं और हमसे दंगा करवा रहे हैं और हमें दंगाई बना रहे हैं। आप कह रही हैं कि इनके चंगुल से निकलना चाहिए, लेकिन मदनी साहब कह रहे हैं कि जिसको हमारा धर्म अच्छा नहीं लग रहा, जिसको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही, जिसको हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लग रहा, वो देश छोड़ के कहीं और चला जाए, वो किसी भी देश में जाए, भारत छोड़ दे। नहीं, आपने कौन सी अच्छी बात बताई है? आप हमारे देश की रोटी खाएंगे और हमसे कहेंगे कि आप देश छोड़ के चले जाइए? हमारे देश की रोटी मदनी जी खाएंगे और कहेंगे जी मुसलमानों तुम्हें तो बड़ा प्रताड़ित। आपको पता है ऐसा बहुत सम्मान के साथ मैं मदनी जी के लिए बोल रही हूँ, बहुत आदर करता है मुसलमान उनका, बहुत उनको अपना कौमी रहबर मानता है मुसलमान, उनको समझाना चाहिए कि इस देश की रोटी खाते हो भारत जिंदाबाद लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान कोई जिंदाबाद लगाएगा उसको मदनी जी साथ लेकर आएं और खुद छोड़कर जाएं या उनके साथ ही चले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं। मुसलमानों को आप किस धारा में ले जाना चाहते हैं? मैं माननीय मदनी जी से पूछ रही हूँ आपके माध्यम से कि आप किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? मतलब मुसलमानों की तो आपने दिशा ही खराब कर दी है, दिशा के साथ साथ आज उनकी दशा भी आप खराब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान दंगाई, आतंकी, पंचर वाला, आप उन्हें देश की मुख्यधारा से जुड़ने ही नहीं देते हो। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुरान भी दे रही है, कंप्यूटर भी दे रही है आपके हाथ में, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर वो मुसलमान आपके चंगुल से निकल जाएंगे, फिर क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो जो आप समझाने जाएंगे वो आपसे सवाल कर पाएगा मुसलमान, नहीं नहीं आप ये गलत सिखा रहे हो, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत के लिए जान दूंगा। मुसलमान का तो जज्बा ये है ना, ये क्या पढ़ाते हैं कि देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया, इनको मुसलमान हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, इनको मुसलमानों की शिक्षा से भी कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ एक लेना देना है जो इनकी दुकानें चला करती थी, भ्रष्टाचार की दुकानें, वो माननीय मोदी जी ने बंद कर दी हैं। और जब से इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हुई हैं, 3 तलाक बंद हुआ है, जो औरतों पर यह शोषण कर लिया करते थे, औरत बेचारी घर में बैठी कानून
के दरवाजा भी नहीं खटखटा पाती थी, वो सब इनका दुकानें जो बंद हुई हैं, ये सब उसका मलाल है इनको, और किसी चीज का दुख। क्या कहेंगी मैम, कानपुर में भी जब वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वहां से भी नारे लगाए गए कि पाकिस्तान हक से लिया है हिंदुस्तान छीन के लेंगे, पाकिस्तान ले लिया है हिंदुस्तान की बारी है। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। वो मौलाना क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति बोलेगा तो सच में उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। फिर बुरा मानेंगे सारे मुसलमान कि मुसलमानों के लिए ऐसे बोल दिया। आपकी जबान से कुछ भी निकल जाए भारत के लिए हमारे, और हम आपको कोई मुंह तोड़ जवाब भी ना दें, और फिर जब आपको अरेस्ट करेंगे तो आप हाय तौबा मचाएंगे कि देखिए मुसलमानों के साथ ज्यादती हो गई, आप देश में रह के पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे, और फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आप कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हो गई। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा, आप खुद अपनी गंदी हरकतों से, गलत बातों से, जो आपकी बयानबाजी है गलत, जैसे पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमने लग जाते, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने लग जाते, भारत की रोटियां खाओगे और पाकिस्तान जिंदाबाद लगाओगे, और फिर चाहोगे कि भारत के लोग और सरकार और प्रशासन आपको सर पे बिठाकर घुमाए, फिर आपको जेल की हवाई खानी पड़ेगी ना। तो मेरा आपके माध्यम से ऐसे ये जो बरगलाने वाले मुसलमान हैं, जो मुस्लिम सो कॉल्ड नेता बने फिरते हैं, तो उसमें अखिलेश भैया को भी देखती हूँ, वो भी मुसलमानों के कभी हित की बात तो की नहीं, मुसलमानों को हमेशा क्या किया, दंगा हुआ कहीं झगड़ा हुआ मुसलमान को छुड़ा दिया, ये भी जानने की कोशिश नहीं करी कि निर्दोष हिंदू भाई था कि निर्दोष कौन था। आपने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, उन्हें इतनी बड़ी गलत दिशा दे दी है कि आज उन्हें सुधारने के लिए जब हम निकलते हैं तो सुधारने के लिए हमें लंबा समय लगेगा उनको, लेकिन हाँ मुसलमान सुधरेगा जरूर, संभलेगा जरूर, और देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा जरूर। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जहांगीरपुरी का भी दंगा हुआ, तब भी हम लोग आपसे मिले थे, जहांगीरपुरी के दंगे में जब बात की गई तो केजरीवाल ने कहा कि भाई मेरा कोई लेन देन नहीं है, केंद्र की सरकार जाने, लेकिन जब यूपी को जलाने की कोशिश की गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसा प्लान बनाया कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं, कमिश्नर सड़कों पर घूम रहे हैं, लगातार पूरी पेट्रोलिंग हो रही है और चिन्हित किया जा रहा है, यानी कि कोई भी हो उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसको सजा उसको दी जाएगी। देखिए केजरीवाल जी का प्रॉब्लम क्या है कि केजरीवाल जी भी मुसलमानों की वही वाली राजनीति कर रहे हैं जो पिछली सरकार और समाजवादी सरकार और ये सब जितने भी विपक्षी नेता थे ये सब करते आए, वो भी इसी तरह से मुसलमानों का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिल्ली में जो दंगा होगा उसमें एक नेता आम आदमी पार्टी का निकलेगा दंगाई, बड़ा मास्टर जो माइंड होगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप अपने मुसलमानों को फिर भटका रहे हो, दिल्ली के मुसलमानों को भी भटका रहे हो। माननीय योगी जी से शिक्षा क्यों नहीं लेते हो, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उनके मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं है। मैं देखती हूँ वो किस तरह से अगर एक्शन लेना, अगर कोई हिंदू भाई, आपने देखा अभी नुपुर शर्मा पर शिकंजा कस दिया गया अगर उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की थी, आपने देखा नवीन जिंदल को निकाल दिया गया, उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई। इससे तो मुसलमानों को नजीर लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे प्रोफेट मोहम्मद को कुछ कहा था मुसलमानों के हित में, उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया, इससे भी मुसलमान नहीं सुधरेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। क्या हम विपक्षियों के चंगुल में इतना फंस चुके हैं कि हमसे बाहर नहीं आया जाएगा? तो मुझे लगता है मुसलमानों को अपने दिमाग खोलने होंगे, और ये जब तक चंगू मंगू लीडर्स जो हैं जैसे ओवैसी जी हो गए, ओवैसी जी को जब देखो वो मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी बनकर आते हैं और उनको भड़का के अपना पतली गली पकड़ जाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ आप सब मुसलमानों को भड़का भड़का के कब तक राजनीति करोगे? छोड़ो मुसलमानों को, जाने दो ना, देश की मुख्यधारा से जुड़ने दो, मुसलमान को अपना दिमाग खोलने दो, उसको समझने दो हमारे लिए कौन अच्छा बुरा सोचता है, उसको समझने दो हमारे लिए कंप्यूटर भी ज़रूरी है। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे लिए कंप्यूटर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए कुरान शरीफ ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हमें बदलाव की तरफ लेकर जाना चाहिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करें, जिस तरह से माननीय योगी जी बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक एक व्यक्ति तक, जन जन तक, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद, वो कहते हैं आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। आखिरी पंक्ति, पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जो खड़ा है उसमें ना जाति देखनी है, ना कुछ वर्ण देखना है, ना कुछ और देखना है, आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति को जो हमारी सरकार सुविधाएं दे रही है वो पहुंचनी चाहिए। तो हमारे साथ शबनम खान जी हैं और लगातार
बेबाक बोलती हैं और हम इस मुद्दे पर बातचीत करने आए थे कि जिस तरीके से कानपुर में हुआ उसके बाद भी कुछ मौलाना बाहर आकर मुफ्ती नदीम जो कि बूंदी के रहने वाले हैं वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं भड़काने की जो बातें चल रही हैं उसी पर हमने इनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुख्यधारा से जुड़ चुका है और मुस्लिम मुख्यधारा के साथ चल रहा है, हालांकि कुछ लोग हैं जो बहकाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन मुस्लिमों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें और मुख्यधारा के साथ चलें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।